कि इससे पहले आज तक घटना ऐसी सामने नहीं आ रही जिसमें वीडियोस बनाई गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा गया हो कि आज तो ये इसकी गर्दन थी, कल तुम्हारी भी हो सकती है। इस तरीके की घटना क्या आतंकवादी की श्रेणी में नहीं आ? ये तो वीडियो आई है, ये वीडियो का प्रोसेस वही है जो आईएसआईएस और अलकायदा के आतंकवाद करने के बाद वीडियो रिलीज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी ये वीडियो निकाली है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिलसिला है ना, जो आज बहुत लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इस बार जो हुआ है उसका विरोध तो उसके खिलाफ तो राहुल गांधी ने भी बोला है, ओवैसी ने भी बोला है, जमायत हिंद ने भी बोला है, इतने मुसलमान जो है वो बोल रहे हैं, हाँ नहीं विरोध कर रहा है इसका, तो वो मतलब वो कह रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम ने गलत किया तो ये सब लोग कर रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं एक बात, ध्यान से सुन ले कान खोल कर, वो बात वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार अपराध करने वाले ने अपनी पहचान अपना रंग स्वरूप सामने से खुद कबूल किया है, इसलिए अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इसको भी वो डिफेंड करे। अब ममता बनर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, वरना मैं आपको बता दूं जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है वो किशन भार्गव के साथ भी हुआ था, इससे बदतर हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इससे भी खतरनाक हुआ था, जो ऐसे सिर्फ किशन भार्गव नहीं रिंकू शर्मा के साथ सेम प्रोसेस था, शिवा के साथ जो हुआ सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। पर उन सबकी वीडियोज उन सबके कत्ल करने वाला खुले में नहीं बोल रहा, इसलिए वो नहीं मान रही है। बात का जिक्र तो हम बहुत लंबे समय से कह रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे इस बात को। गहलोत सरकार जो है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। राजस्थान सरकार ने क्या किया, करौली में जो हुआ उसके लिए भी उन्होंने कहा, अजमेर में जो होता है कुछ भी राजस्थान के अंदर परेशानी होती है वो सीधा बोल देते हैं कि नरेंद्र मोदी को एक्शन करना चाहिए। सरकार तुम्हारे पास है, पुलिस फोर्स तुम्हारे पास है, एक्शन तुम ले सकते हो, तो फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे इसमें? नरेंद्र मोदी अगर करेंगे तो अपनी सरकार जो बोल दो कि राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, फिर मोदी जी जो करना होगा कर लेंगे। अगर आप सरकार में हो आपके पास पावर है तो आप उसका यूज करो ना, ये कोई कि हम सब हो नहीं रहा तो हम मोदी जी करेंगे। तमाम लोग ये कहते थे कोई भी घटना होती है कि मुसलमान जो है वो खतरे में है, देश भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है असुरक्षित है, तो अब वो जान ले इस कत्ल के बाद, इस हत्या के बाद, इस बार्बरिक मर्डर के बाद कि वो डरा हुआ है तो ये हाल है। जिस दिन डर निकल गया, जिस दिन डरा हुआ ना बचा तो क्या होगा वो सोच सकते हो आप, डरे हुए का ये हाल है। तमाम तख्ती गैंग आप देखते होंगे, मोमबत्ती गैंग सामने आते थे लेकिन आज वैसे दिखाई नहीं दे रहे लोग। वही वाली गैंग की बात कर रहे हो ना जो बोलती है मंदिर में कुछ होता है तो आई एम अशेम्ड एज अ हिंदू, आई एम अशेम्ड एज अ हिंदुस्तान, मैं हिंदू होने पर शर्म आती है मेरे को जब उन्नाव में कुछ होता है ना, वो लोग आज गायब है। आज कोई भी ये नहीं बोल रहा कि आई एम अशेम्ड एज अ मुस्लिम। क्या अरफा खानूम बोलेगी कि आई एम अशेम्ड एज अ मुस्लिम? क्या फेडी सूजा बोलेगी इस चीज़ को? क्या सबा नकवी बोलेगी इस चीज़ को? क्या राणा अय्यूब बोलेगी? नहीं बोलेगी, क्योंकि वो अशेम्ड नहीं है। वो जो आज सामने आपको दिखाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि बहुत गलत हुआ है, वो इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ पैदा ही नहीं बचा, बचा ही नहीं, वो उसको भी डिफेंड कर सके क्योंकि सामने क्लियर है सारी चीज़ें इस वजह से।